अपना घर होगा क्या नहीं होगा उसके पास आज देखो हम ऐसे बेघर बन गए ना हमारा घर कहीं है ना कहीं है यही था बन गए। हम तो हो गए। नमस्कार बारह मासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अब आज अभी मेरे फ्रेम में आप मेरे पीछे दो इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे होंगे एक ये राइट साइड में अगर आप थोड़ा सा रोहित पैन करना राइट साइड में ये जोशीमठ शहर है और जोशीमठ के ठीक नीचे वो नेशनल हाईवे चार चारधाम परियोजना के लिए जो बनाया जाना है वो कटता हुआ नज़र आ रहा है अभी वो जो जेसीबी जेसीबी मशीन्स हैं उनको रोक दिया गया है फिलहाल पिछले कुछ दिनों से लेकिन ये वो रास्ता है जिसको जो काट कर हेलंग से और सीधा यहाँ कनेक्ट करेगा जो जोशीमठ शहर को बाईपास कर जाएगा ये प्रस्तावित है और लगभग काम भी इस पर काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है अब जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के जो दो बड़े कंसर्न्स थे एक तो एनटीपीसी की टनल थी और दूसरा ये जो रोड काटी जा रही है ये थी क्योंकि आप इस फ्रेम में भी देखेंगे कि उन लोगों का ये कहना है कि आप बिल्कुल जोशीमठ की जड़ को काटते हुए ये इस सड़क का निर्माण कर रहे हैं और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ठीक मेरे पीछे दिखने वाला वो गांव है जिस गांव का नाम है चाई चाई गांव इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा गांव है पहला ऐसा उदाहरण है जो कि किसी पावर प्रोजेक्ट के चलते बनाई जा रही सुरंग के कारण प्रभावित हुआ दो में लगभग इस गाँव के बाईस से पच्चीस परिवारों को वहाँ से हटाना पड़ा क्योंकि जो स्थिति आज जोशीमठ के मकानों की हो रही है बिल्कुल वही स्थिति आज से पंद्रह साल पहले दो में चाय गाँव में हो चुकी है तो अभी हम आपको लेके चलते हैं इस गांव में इन गांव वालों से मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे जोशीमठ की नज़रों के ठीक सामने बसा ये गाँव पंद्रह साल पहले ठीक इसी स्थिति से गुजर चुका था और एक उदाहरण सभी जो हमारे नीति निर्धारित करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सरकार है एन है उन सबको एक क्लियर उदाहरण चाए गाँव ने ये दिखा दिया था कि इस तरह की टनल अगर गाँव के नीचे से बनती है तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं और उससे अगर सीख ली जाती तो शायद जोशीमठ में जो आज हो रहा है उसके नुकसानों को कुछ कम जरूर किया जा सकता था आपको लेके चलते हैं चाय गांव में और मुलाकात करवाते हैं गांव वालों से कि उनके साथ में 2007 में क्या कुछ बीता और आज वो किस स्थिति में दो ये 2007 में जीपी कंपनी की जैसे टनल चालू हुआ तो उसके पानी लीकेज टनल लीकेज के कारण यहाँ पे धसाव शुरू हो गया था और इसी के कारण ये पूरा जो है ये टावर नीचे बैठ गया पूरी जमीने नीचे धस गई गांव प्रभावित हुआ जेपी कंपनी द्वारा बनाई गई एक परियोजना से जिसका नाम है विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना 400 मेगावाट का एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है उसका उसकी जो उसका जो पावर हाउस है और उसकी जो टनल्स हैं वो इस गांव के ठीक नीचे से होके गुजरती हैं उन टनल्स का इस गांव पर किस तरह से प्रभाव पड़ा उसके बारे में बात करते हैं हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी आप बीती आपको सुनवाते हैं सबसे पहले अपना नाम बताइएगा जी सर मेरा नाम है संतोष राणा संतोष जी, जी संतोष भाई सबसे पहले आप बताइए जैसा अभी आप गाँव के बारे में बता रहे थे जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं और ये जो मकान हमारे सामने है ये भी उन मकानों में से एक है जो साल दो में ही दरकना जी जी, जी 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 दो हजार ही में जब जेपी द्वारा इनका प्रेशर साफ लीकेज हुआ तो उसमें इतना प्रेशर से इस जमीन के नीचे से पानी आया तो अचानक से ये पूरा एरिया नीचे से लेकर ऊपर तक एक साथ सिंक हुआ ये अच्छा। ठीक सर इसमें यहाँ से लेकर नीचे तक कुछ परिवार रहते हैं इन्होंने कुछ विस्थापन किया पर कोई ठोस प्रक्रिया तो नहीं की इन्होंने ठीक है आज भी लोग अपनी जमीन के लिए मकान के लिए रो रहे हैं ये पीड़ा हमारी उस टाइम की है सरकार ने हमारे साथ इतनी अनदेखी की कि हम सोच नहीं सकते हैं उसका खामियाजा आज एन द्वारा जो जोशी वाले भुगत रहे, हैं भुगत रहे हैं। जी जी ये देखिए मतलब दो में ठीक वैसी ही परिघटना और इस एरिया के बारे में भी आपको बता देते हैं जैसा कि संतोष भाई ये पीछे से इनकी जो जो वाटर शाफ्ट है है वो नीचे आती जी आ, सर तो जो, दे जिस दे लोकेशन, दे लोकेशन दे पे हम दे अभी दे खड़े दे। हैं ठीक है सर दे दे दे। जो ऊपर से एडिट नंबर फोर जो तोली नाला नाम है यहाँ का वहाँ से इनके प्रेशर साफ्ट है जो लामगढ़ से पानी आता है उस जगह पे आता है वहाँ से बिल्कुल 45 डिग्री में डाउन का प्रेशर साफ्ट है जो जिस एरिया पे हम खड़े हैं इसी एरिया पे आके यहाँ से नीचे इनका मेन पावर प्लांट है जिसके अंदर बहुत सारी टनल है वो बहुत चौड़े हैं कम से कम सात मंजिला इमारत इन्होंने उसके नीचे बनाए और भी टनल है इनके केबल टनल है एडिट नंबर नाइन है पावर से ट्रांसफार्मर होल हो गया इनका टी एच हो गया। जी बहुत सारी है मैं अब बताऊं तो बहुत सारी टनल है तो so, मतलब ये जो परियोजना है इसका जो रिजर्वर है वो लामबगड़ में है और लामबगड़ से पानी जो है इस पहाड़ी चोटी के ऊपर से एक बार पैन करके भी रोहित एक बार दिखाना ऊपर की नहीं, उसकी नहीं। हाइट कितनी है उस पहाड़ की तो ये जो पहाड़ी अब इस वक्त आपको फ्रेम में दिख रही होगी इस पहाड़ी से ही एक वाटर सोर्स के जरिए पानी नीचे आता है और उस टर्बाइन में गिरता है जो टर्बाइन लगभग इन गांवों के नीचे उस पावर हाउस में बनाई गई है और वहां से फिर बिजली प्रोड्यूस होती है अब इन लोगों का ये कहना है कि लगभग नब्बे का दशक जब खत्म हो रहा था उस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2005 में 2004-5 से यहां पर बिजली का प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गया और उसके दो तीन साल बाद ही उसके प्रभाव इस गाँव में देखे जाने लगे थे अब सिर्फ कंसर्न इतना ही नहीं है कंसर्न एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि जब भी इस तरह की कोई परियोजना आती है तो नियम ये कहते हैं कि उसके लिए जन सुनवाई हो जितने भी लोग उससे प्रभावित होने जा रहे हैं उन लोगों को स्टेक होल्डर्स की तरह से शामिल किया जाए उनकी बातें सुनी जाएं उनको उनके साथ कितने प्रोमिस उस उस समय पे किए जाते हैं उन प्रोमसेज के बारे में एक बार बात करते हैं आप बता रहे थे कि जिस समय जी, ये प्रोजेक्ट जेपी ला रहा था यहाँ पे किस तरह के वादे आपसे किए गए थे वादे तो बहुत सारे किए सर पहले ही इन्होंने क्या प्रोजेक्ट में हमने खैर छोटे मोटे आंदोलन तो बहुत किए हम हमने इन्होंने कहा कि हमने गाँव को गोद ले लिया ठीक है उस समय इतनी जानकारी रही नहीं गाँव वालों ने कहा यार चलो हमारा भला ही हो जाएगा कम से कम से कोई किसी को रोजगार मिलेगा अच्छी मतलब गांव की व्यवस्था होगी स्कूलें बनेगी फैसिलिटीज होगी काफी तो बिल्कुल उसका उल्टा हुआ आज गांव बिल्कुल उसके विपरीत चले गया बिल्कुल गांव का बुरा हाल हो गया सर देखिए और ये एक आम गांव का व्यक्ति ये स्पेकुलेट नहीं कर सकता कि जो प्रोजेक्ट तमाम से फाइनलाइज हो रहा है उसके आउटकम्स कुछ ऐसे होंगे कि जिसका लैंडस्लाइड इस तरह से देखने को मिलेगा तो ऐसे में गांव वालों की स्वाभाविक चिंता ये होती है कि अगर उनका उनके कुछ स्टेट जा रहे हैं तो बदले में उनको क्या मिले उनको उनको रोजगार दे दिया जाए उनके परिवार के किसी सदस्य को रोजगार दे दिया जाए और आप बता रहे थे रोजगार का ये वादा भी आप लोगों से किया रोजगार के संबंध में सर इन्होंने कहा की प्रत्येक परिवार से हम एक आदमी को रोजगार देंगे इन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया इन्होंने उल्टा जो लोग लगे भी थे इन्होंने उनको बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया दूर अब लोग घर में अकेले होते हैं किसी का कोई समस्या है कुछ नहीं जा पाते हैं तो जब बाहर से लोगों को यहाँ ला रहे हैं ये तो क्यों ना गांव वालों की प्राथमिकता होती है जो प्रभावित लोग हैं उनको यहाँ पे रोजगार, रोजगार मिलना चाहिए जी अच्छा और आज जोशीमठ में जो प्रदर्शन आज के दिन पे हो रहा है तो ये जो गाँव है चायी गाँव चायी गाँव की तमाम महिलाएं वहाँ पहुंची हैं उस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए और इस तरह से पहुंची हैं कि वो उन्होंने खुद 2007 में जो झेला जोशीमठ के लोगों को आज उसी दौर से गुजरना पड़ रहा है तो वो उनकी हिम्मत बढ़ा पाए उनका उनका उनको साहस दे पाए और इस गांव में जो अभी प्रधान हैं वो एक महिला हैं उनका नाम शकुंतला देवी शकुंतला देवी उनका नाम है तो वो भी अभी जोशीमठ गई हैं इसलिए उनसे अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन उनके पति हमारे साथ हैं प्रधानपति जो हैं आप अपना नाम बताइएगा विजेंद्र सिंह पवार मेरा नाम विजेंद्र पवार जी सर विजेंद्र जी यहाँ पर 2007 में कितने परिवार थे जिनके मकान सीधे तौर से प्रभावित बाईस परिवार 22 थे बाईस परिवार बाईस परिवारों मतलब बाईस घर सीधे सीधे प्रवाई प्रवाई चपेट में आ गए थे जी। और सरकार द्वारा केवल तीन लाख साठ हजार उनको दिया गया, दिया गया। तीन लाख हजार केवल और सारी हमारी तो गांव की सारी जमीने नष्ट हो चुकी है यहाँ से नीचे जहाँ ये बाईस परिवार थे उससे नीचे कम से कम सौ एकड़ से लगभग जमीन पूरी नष्ट हो चुकी है उसके अभी तक सरकार ने कभी कुछ मतलब मुआयना ना किया ना उसके देख रेख किया ना उसमें ट्रीटमेंट किया आप लोगों ने कभी आप अपने आप अपने अपने रिप्रेजेंट लेके स्थानीय प्रतिनिधि के पास गए सामने, सामने तो नहीं, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, पंद्रह साल बीत चुके हैं जी तो ये आप देखिए मतलब आज जोशी मठ पे पूरे देश की नजर है तमाम देश का मीडिया वहाँ है इंटरनेशनल मीडिया वहाँ है क्योंकि जोशी मठ का एक बहुत अहम रोल है हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल रेफरेंसेस उत्तराखंड का जहाँ भी ऐतिहासिक पौराणिक जिक्र आता है जोशीमठ एक बहुत महत्वपूर्ण मठ है तो इसलिए वहां पर सबकी निगाहें हैं लेकिन उसके ठीक सामने ये इनफैक्ट मेरे पीछे आपको फ्रेम में जो ये जगह दिख रही है ये ही जोशीमठ है और जोशीमठ के ठीक इस छोर पर यह छोटा सा गाँव है इस गाँव में लगभग एक परिवार एक सौ परिवार एक 120 परिवार इस गाँव में रहते हैं पंद्रह साल बीत चुके हैं जब से ये लोग इस उम्मीद में हैं कि इनके जो नुकसान पंद्रह साल पहले एक प्राइवेट पार प्रोजेक्ट की वजह से हुआ उसके उसके बदले में जितनी चीज़ें इन्होंने लूज की और जितने वादे उस प्रोजेक्ट से पहले इनसे किए गए थे उसकी भरपाई हो सके लेकिन आज तक भी स्थिति जो है वो आप स्वयं इन गाँव वालों से सुन रहे हैं एक चीज़ और बताइएगा कि यहाँ पर जिन लोगों को मुआवजा दिया गया उन लोगों को कुछ जमीनें भी दी गई दाएं बाएँ मुआवजा नहीं दिया गया सर मतलब बाईस फरुरी को ये बताया कि मतलब चुनाव चौक में नहीं मिला कुछ ही नहीं मिला वो जमीन सब। एक एक आ, एक, एक, एक एक है सिंचाई मौके पे कब्जा दे दिया गया जी जी सिंचाई बाकी जमीन है और वहाँ केवल बनाओ मकान बनाओ कोई पट्टा पुट्टा अभी तक नहीं मिला है अच्छा और उस मकान बनाने के लिए तीन लाख लाख हजार अच्छा जी उसके बाद से कुछ नहीं उसके बाद कुछ नहीं, नहीं, नहीं और नहीं। जैसा आप बता रहे थे कि शुरुआत में जब जेपी प्रोजेक्ट यहाँ आया तो उन्होंने कई वादे किए हम पूरा गांव गोद ले लेंगे पूरे गाँव गोद ले लेंगे रोजगार देंगे पूरे लोग गांव के रोजगार करते हैं केवल दो 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 आदमी है यहाँ पे रोजगार पूरे गाँव जेपी प्रोजेक्ट में सिर्फ दो लोगों को रोजगार मिला है बाकी तो आप लोग कभी इनसे मिले मिलते मिलते रहते हैं बोलते हैं हाँ हो जाएगा जब आगे डिमांड होगी देंगे बुलाएंगे आपको बुलाएंगे बाकी कुछ नहीं केवल स्कूल बस दे कि वो भी जोशी मठ से और अपने मारवाड़ी पुल तक हमने कहा भैया रोड पक्की हो गई अब आजकल ऊपर पहुंचाओ क्या ना हमारे पास बस चढ़ती नहीं है देखेंगे देखेंगे और 2007 में तो एक बार यहाँ पे बड़ी त्रासदी हुई जब इतने घरों का सीधा नुकसान हुआ जी। उसके बाद भी जैसे आप बता रहे थे कि पावर शाफ्ट से से भी कभी लीकेज की वजह कुछ और दिक्कतें भी आई बाद बीते कुछ सालों में भी भी जी पिछली बार वही थी पानी लीकेज हुआ था और ये रास्ता सारा बह गया था बीच में हमारे विदाई जी थे मंदिर भर जी उन्होंने रास्ता बनवा दिया था अच्छा काफी दिन ब्लॉक रहा रास्ता और ये भी तो करती नहीं है कुछ ये भी तो रोड को भी ट्रांसफर करने को राजी नहीं थी अच्छा अभी भी नहीं मेरे को लग रहा अभी भी ट्रांसफर नहीं किया ਇਹ ਗਾਉਂ ਵਾਲੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਰ ਅਭੀ ਵੀ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੀਪ ਨੇ ਇਹ ਐਸਪੀਐਮ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਡੰਬਰੀ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਐ ਐਸਪੀ और इस गांव के बारे में जानना आप लोगों को इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इस गांव में इस तरह की आपदा आई तो जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति जो है जो जोशीमठ में बनी है उन लोगों ने तभी से रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया था कि जैसा हाल इस गांव का हो रहा है वही भविष्य में जोशीमठ का हो सकता है क्योंकि सेम सर्कमस्टेंसेज वहां हैं जोशीमठ के नीचे से भी वैसे ही टनल जा रही थी एक टनल में जब टीबीएम फंस गई थी तो एक और टनल बनाई गई ताकि उस टीबीएम को निकाला जा सके उसके उसके चलते एक बड़ा वाटर सोर्स जो था वो पंच हुआ। और ये सारी चीजें अभी पिछले चार पांच या दस दिन की नहीं हैं, जिन दस दिनों से मीडिया में हुआ है ये बात कम से कम आज से दस बारह साल पुरानी है जब से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर चुकी थी अच्छा एक हम ये बातचीत को खत्म करें उससे पहले एक आखिरी बात ये बताइएगा कि आज जोशीमठ की आप स्थिति देख रहे हैं लगभग यही स्थिति आपकी पंद्रह साल पहले जी ऐसी बिल्कुल बिल्कुल तो आपको आपको मतलब ये देख के लग रहा है कि जोशीमठ में जिस तरह से मकानों में दरार आ रही हैं वो आगे जाके कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वो खतरा जो है वो और बढ़ सकता है जी बिल्कुल बढ़ सकता है बढ़ सकता है खतरा बिल्कुल बढ़ेगा अभी तो शुरू ही नहीं हुई अब उसके अंदर जब पानी आएगा तो पानी फिर रिसेगा फिर खतरा हो जाएगा एक झटका खतरा होगा उनको भी जी फिर खतरा है बिल्कुल खतरा हो सकता है और देखिए कि ये मैं रोहित एक बार ये 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 घर दिखाना घर तकरीबन 2007 की आपदा से पूरी तरह से मतलब ये आ, नीचे इसको ये ये रहने लायक नहीं रह गया और तभी से लगभग बंद पड़ा है बीच में गांव वाले बताते हैं कि यहाँ रोड साइड पे जो लेबर काम करते हैं वो लोग कभी आके रात को इधर रुक जाया करते हैं या इधर ठहर जाते हैं लेकिन ये ये आप देखिए इसको इसको एक एपिटोम की तरह से आप समझिए या इसको एक प्रतीक की तरह से आप समझिए कि ठीक सामने जोशीमठ है और जोशीमठ की निगाहों में चौबीसों घंटे बने रहने वाला ये गांव प्रत्यक्ष उदाहरण था इस बात का कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो बनाए जाते हैं और उन प्रोडेक्ट उन प्रोजेक्ट्स के बनाए जाने में जब एन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस देने के लिए तमाम तरह की हीला हवाली की जाती है तो परिणाम जो है वो ऐसे होते हैं जैसा इस गांव में देखने को मिला बाईस परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा और उसी वही अगर उस समय पे इस गांव का उदाहरण लेके कुछ चीजों को समझ लिया जाता तो वो स्थिति आज 500 परिवार जो जोशीमठ के ऑलरेडी अभी तक गिने जा चुके हैं लगभग 500 से ज्यादा भवन हैं जो कि सीधे सीधे अब जिन पर क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं कि वहां पर अब वो रहने योग्य नहीं रह गए हैं अगर ये इस गांव के 10-12 साल पुराने अनुभव से अगर कुछ सीख ली जा सकती और ये सिर्फ सरकार के हाथ में ही नहीं था बल्कि एक प्रॉपर एक कमेटी बन चुकी थी एक संघर्ष समिति बन चुकी थी जिन्होंने बाकायदा रिप्रेजेंटेशन दिए बाकायदा इस गांव का उदाहरण दिया इस गांव का उदाहरण देने के बाद तमाम वो डिटेलिंग एनटीपीसी को और एन और तमाम बाकी के जो स्टेक होल्डर्स थे स्टेट गवर्नमेंट थी उनको दी लेकिन उसके बाद भी आज जो स्थिति है तो यह कहना बिल्कुल उसमें गलत है कि वो कोई प्राकृतिक आपदा है प्राकृतिक आपदा वो होती हैं जो जैसे कि हमने केदारनाथ में देखी हालांकि केदारनाथ की आपदा के लिए भी कुछ मैनमेड रीजंस हो सकते हैं लेकिन वो सडनली आई आपदा नहीं है जो जोशीमठ में देखने को मिल रहा है वो एक प्रोसेस से धीरे धीरे करके वो आपदा आ रही है पिछले कई समय से जोशीमठ संघर्ष समिति के लोग ये बात कह रहे हैं कि ये दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं लेकिन प्रशासन ने तब उस पर काम कान धरे जब इतने सारे घर बिल्कुल इस, इस स्थिति पर पहुंच गए कि अब एक रात भी उनमें रुकना मुश्किल हो गया जोशीमठ के आसपास के ऐसे गांव और भी हैं और ऐसी स्थितियां उन गांवों की भी बनी हुई हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए बारह मासा